आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे टॉप 25 की। भारत के कई राज्यों में कोरोना वायरस महामारी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10 राज्यों में हाई लेवल मल्टी डिसिप्लिनरी टीम भेजी है। ये राज्य महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर है। कोरोना वैक्सीन के पहले चरण में शानदार सफलता के बाद मोदी सरकार ने दूसरे चरण की घोषणा की है। इसके तहत 1 मार्च से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के 10 करोड़ से ज्यादा लोगों और 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग जिनको कोई दूसरी बीमारी है उनका टीकाकरण किया जाएगा। पहले चरण में करीब 1,20,00,000 टीके की खुराक दी गई थी। राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर विपक्षी दलों पर जोरदार हमला किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सदन में विभिन्न रंगों की टोपियां ड्रामा कंपनी की तरह लगती है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को इस उम्र में टोपी लगाकर आना शोभा नहीं देता। बिहार की सीतामढ़ी जिले में बुधवार को शराब माफियाओं से मुठभेड़ में बिहार पुलिस के दारोगा की मौत हो गई, जबकि एक चौकीदार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के मेजरगंज थाना क्षेत्र के कुआरी मदन समेत 2 गांव में बुधवार को शराब माफिया और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान शराब माफियाओं ने पुलिस पर जमकर गोलियां बरसाई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के थाना गजरौला के मोहम्मदाबाद में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। देर रात अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से 2 युवकों की निर्मम हत्या कर दी और फरार हो गए। खेत के किनारे खून से लथपथ शव को देख मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। मृतक के परिजनों ने शराब माफिया पर हत्या का आरोप लगाया। जिले में हुए डबल मर्डर से लोगों में दहशत है। दिशा रवि को टोलकिट मामले में कल दिल्ली की एक अदालत से जमानत दे दी गई है। दिल्ली पुलिस ने गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि दिशा के पिता ने बेल मिलने पर खुशी जताई है और कहा है कि न्याय की जीत हुई है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमसे कोई गलती नहीं हुई। यूपी के गौना जिले में 10वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। गैंगरेप की वारदात तो उस वक्त हुई जब छात्रा स्कूल से घर लौट रही थी। 15 वर्षीय छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना मनकापुर कोतवाली इलाके में हुई। बताया जा रहा है कि छात्रा स्कूल से अपने घर आ रही थी। इसी दौरान गांव के अधेड़ ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर नाबालिग का गैंगरेप किया। माफिया बदन सिंह बद्दो के खिलाफ एक बार फिर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 2.5 लाख के नामी बदमाश बदन सिंह बद्दो के बंगले को ढहाने के बाद प्रशासन ने उसकी जमीन को भी कब्जे में ले लिया है। इसके अलावा बंगले के मलबे को भी कुर्क कर लिया गया। कुर्की के बाद प्रशासन ने उसकी जमीन पर सरकारी बोर्ड लगा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी वकील किरण आहूजा को पर्सनल मैनेजमेंट ऑफिस का मुखिया नियुक्त किया है। ये विभाग बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि अमेरिका के 20 लाख से ज्यादा नौकरशाह इसी विभाग के अंतर्गत आते हैं। 39 साल के किरण आहूजा अमेरिकी सरकार में ये टॉप पोजिशन पाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी है। हरियाणा के करनाल में मंगलवार को बड़ा हादसा हुआ। करनाल के गोगोड़ीपुर गांव के पास पटाखा फैक्ट्री में धमाका होने के चलते 3 कर्मचारियों की मौत हो गई, वहीं एक की हालत गंभीर बनी हुई है। जान गंवाने वाले 3 कर्मचारी तमिलनाडु के रहने वाले थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी की आज पुण्यतिथि है। श्रीदेवी को गुजरे हुए 3 साल हो गए हैं। आज ही के दिन इस लेजेंडरी एक्ट्रेस ने दुनिया को अलविदा कहा था। एक्ट्रेस की पुण्यतिथि के मौके पर फैमिली और बॉलीवुड के साथ ही फैंस भी उन्हें याद कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य सरकार की ओर से कोरोना के टीकों को खरीद को लेकर मदद मांगी है। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगवाना चाहती है, इस कारण बड़े पैमाने पर टीका खरीदना चाहती है। अपने पत्र में ममता बनर्जी ने लिखा है कि पीएम मोदी कोविड-19 टीकों की खरीद में मदद करें, जिससे राज्य के लोगों को वैक्सीनेशन मुफ्त में हो सके। उत्तर प्रदेश सरकार विधायकों की निधि के इस्तेमाल करने की नियमावली में बदलाव करने जा रही है। पहले विधायक निधि के 3 करोड़ रुपए विधायक अपने तरीके से विकास कार्यों के लिए खर्च कर सकते थे, लेकिन अब कोविड के दौरान सभी विधायकों की निधि कैंसिल के खर्च करने पर रोक लगा दी गई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार अलर्ट हो गई है। अब 5 राज्यों से दिल्ली आने वाले लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब से दिल्ली आने वाले लोगों को नेगेटिव RT-PCR दिखाने पर ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। देश के 5 राज्यों में कोरोना मरीज बढ़ने पर उत्तराखंड में भी अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। मंगलवार से महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आने वाले लोगों की जिले के बॉर्डर पर कोरोना जांच कराई जा रही है। इसके लिए अशरोड़ी, चेक पोस्ट, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर व्यवस्था बनाई गई है। यूपी देश में सबसे ज्यादा हवाई सेवा देने वाला राज्य बनने जा रहा है। योगी सरकार ने राज्य में हवाई सेवाओं के चौतरफा विस्तार की गति तेज कर दी है। लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या समेत यूपी में बहुत जल्द 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सिकरौल इलाके में एक भैंस ने 2 मुंह वाले बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों की भीड़ ने इस बच्चे को देखकर आश्चर्य प्रकट किया है। हालांकि बीती रात भैंस के 2 मुंह वाले बच्चे की मौत हो गई।
हरिद्वार में कुंभ करीब है तो कुंभ नगरी हरिद्वार को भी खूबसूरत बनाया जा रहा है। गंगा पर बने पुलों और मंदिरों को भगवा और पीले रंग में रंगा जा रहा है ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक एहसास हो सके। खासकर हर की पौड़ी पर तमाम पुलों मंदिरों के साथ पुरोहितों के बैठने की गद्दी और छतरियां भी इन रंगों में नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में उरई के ददरी गांव में जहरीली शराब पीने से दो लोगों की मौत हो गई, तीन की हालत गंभीर है। जालौन उरई के आटा थाना अंतर्गत ददरी गांव में पांच लोगों ने एक साथ दुकान से शराब खरीदी थी। शराब पीने के बाद दो की मौत हो गई और तीन को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। 25 फरवरी को बीजेपी पश्चिम बंगाल में लखो सोनार बांग्ला कैंपेन की शुरुआत करेगी। कार्यक्रम की शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी बंगाल के भविष्य के लिए जनता का सुझाव मांगेगी। बीजेपी लोगों से राय मांगेगी अगले 5 साल में बंगाल को किस रूप में देखना चाहते हैं। पुडुचेरी में लगेगा राष्ट्रपति शासन, केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है। इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कांग्रेस डीएमके गठबंधन की सरकार गिरने के बाद उपराज्यपाल तिमिलिसाई सराउंडराजन ने राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की थी। बताया जा रहा है कि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने राज्य में सरकार बनाने से मना कर दिया। पुडुचेरी में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। जम्मू के रिहायशी जिले में बुधवार को एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब प्रदेश के वरिष्ठ सरकारी अफसरों को किश्तवाड़ा ले जा रहे एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई। तकनीकी खराबी के चलते इस हेलीकॉप्टर की रिहायशी के एक मैदान में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। 1,32,000 दर्शकों की क्षमता वाले दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड का बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन किया। इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह भी मौके पर मौजूद रहे। शाह गांधीनगर से लोकसभा सदस्य हैं। यह स्टेडियम उन्हीं के निर्वाचन क्षेत्र में आता है। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा नहीं लिया। लखीमपुर खीरी में स्कूल जाने के दौरान मंगलवार को लापता हुई चारों लड़कियां बुधवार को उत्तराखंड में मिली हैं। एसपी विजय ढुरे ने कहा है कि लड़कियां उत्तराखंड घूमने के लिए अपने घर से निकली थीं। वे टिहरी गढ़वाल जिले में मुनि की रेती पुलिस स्टेशन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले होटल में ठहरी थी। कोरोना काल से ही रेलवे अपने संसाधनों के जरिए कोविड की जंग लड़ रहा है। ऐसे में एक और पहल रेलवे ने की है जिसमें रेलवे अब यात्रियों के साथ साथ उनके सामान को भी सुरक्षित करने के लिए एक अत्याधुनिक टनल रेलवे स्टेशन के एंट्री पॉइंट पर लगाएगा। इस टनल में बैग में 10 रुपए में आपका पूरी तरह से सैनिटाइज हो जाएगा और बैग रैप करने की भी सुविधा उपलब्ध होगी। और टॉप 25 में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।